मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 12 का शॉर्ट आंसर, ओके, वन लाइन आंसर नोटबुक में करेंगे। तो नोटबुक ओपन कर लीजिए, लेकिन आंसर लिखाने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को रिपीट करती हूँ उन बात को फिर से आज बोल दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते हैं उनके लिए है कि वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, ओके। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, ओके। और क्या कहते हैं, जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, एक तो जो नहीं रहते उनको तो बोलना है, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। काम का मतलब कि आपको बुक ओपन करना, जैसे अभी मैंने कहा कि बच्चे अटेंडेंस बनाओ, बुक ओपन करो, नोटबुक ओपन करो। नोटबुक ओपन करने के बाद जैसे नोट करना है उसका तरीका मैं बताऊंगी, तो मैं जो जो बोलूंगी आपको वो फॉलो करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो ये काम करना है। दूसरी बात ये कि आप लोग जानते ही हो कि आजकल आप लोग हर रोज़ दो बार अटेंडेंस बनाते हो, है ना। फर्स्ट जो आपने अभी बनाया कि मैंने कहा कि सभी बच्चे अटेंडेंस बनाएंगे फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे, उसी तरीके से सेकंड टाइम कब बनाना है, जब मैं क्लास को एंड करती हूँ और एंड करने से पहले बच्चों को बोल देती हूँ कि आप लोग अटेंडेंस बना लो फिर मैं गुड हैबिट टिप दूंगी, तो उस समय एक बार अटेंडेंस बनानी है। तो हर दिन दो बार आपको अटेंडेंस बनानी है, क्लियर। फर्स्ट जो आपने अभी बनाया, सेकंड जब मैं क्लास एंड करूंगी और मैं बोल दूंगी कि अटेंडेंस बना लीजिए तो आप लोग बना लेना, ओके। तो हर रोज दो बार अटेंडेंस बना। तो आप लोगों को क्या क्या फॉलो करना है, एक तो क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना है, और दूसरी बात कि जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करेंगे। तीसरी बात, प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है। उसकी चौथी बात क्या हो जाएगी कि आपको दो बार अटेंडेंस बनानी है। और पांचवी बात, जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें। तो ये पांच काम आप सभी बच्चों को करना है। तो जिनके साथ जो प्रॉब्लम है वो काम कीजिएगा, ओके। जिनके पास किताबें नहीं है किताबें खरीदवाएंगे, जो प्रेजेंट नहीं रहते वो प्रेजेंट रहेंगे, और जो प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करेंगे और पूरी देर तक प्रेजेंट रहेंगे और दो बार अटेंडेंस बनाएंगे, ओके। तो ये सारी बातें हुई, चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ। तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लें। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि लिखे हुए पेज में, दैट मीन्स कि चैप्टर 12 का मैंने जो वर्ड मीनिंग लिखाया था उस वर्ड मीनिंग वाले पेज में अगर तीन से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, उस पेज में लिखेंगे। और जिनके नोटबुक में तीन या उससे कम लाइन है तो वो बच्चे उस पेज को छोड़ देंगे, न्यू पेज से लिखेंगे, ओके। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे, क्लियर। तो ये तो लिखने का तरीका हो गया। तो चलिए अब मैं लिखाना शुरू करती हूँ। सभी बच्चे नोटबुक प्रॉपर वे में, one line
क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन लाइन। इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक लाइन में देना है। एक लाइन मतलब एक सेंटेंस, एक वर्ड। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर आंसर लिखकर समझाऊंगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा था और हमने आंसर क्या लिखा। तो पहला क्वेश्चन है, सड़कें हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं और यूज़फुल है, मतलब लाभदायक है, ज़रूरी है और उनका लाभ हम उठाते हैं। तो सड़कें किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक हैं, तो अपने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ फिर समझाऊँगी। सड़कें हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक है, तो हमारा आंसर है रोड्स लिंक वन प्लेस टू अनदर। रोड्स एक रास्ते से दूसरे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जुड़ा हुआ है। इन दिस वे, इस तरह से, दे आर वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मतलब कि हम कहीं भी जाना होता है तो सड़क के द्वारा ही जाते हैं ना। जैसे हमें अपने घर से स्कूल जाना होता था, अभी तो फिलहाल नहीं लेकिन जाते हैं, तो जब जाते थे स्कूल तो किसके कहाँ पे जाते थे, खेतों में चढ़ कर जाते थे। हाँ, गाड़ी कहाँ चलती थी, सड़क पे, रोड पे, ज़मीन पे ही गाड़ियाँ चलती है। लेकिन उसके लिए मतलब मेन क्या कराया जाता है, सड़क बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है। तो रोड जो है एक जगह से दूसरी जगह जुड़ी है ना, कि आपके घर के रास्ते से आपके स्कूल के रास्ते तक सड़क जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब है कि रोड हमारे लिए, सड़क हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है, लाभदायक है। तो सड़क एक जगह से दूसरी जगह जुड़ी हुई है, इस वजह से ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो क्वेश्चन हमारा है, हाउ आर रोड्स यूजफुल टू अस, हमारा आंसर है रोड्स लिंक वन प्लेस टू अनदर, इन दिस वे दे आर वेरी यूजफुल टू अस। सड़क हमारे, है ना, सड़क एक जगह से दूसरी जगह जुड़ी हुई है, इस वजह से ये हमारे लिए लाभदायक है। अब आप बोर्ड पे देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो अट जाएगा बट इसका आंसर नहीं अट पाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसे वाइप करूँगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका आंसर लिखाऊंगी। लेकिन एक बार फिर से मैं पढ़ के बता दूँगी, हाउ आर रोड यूजफुल टू अस, तो आंसर है रोड्स लिंक वन प्लेस टू अनदर, इन दिस वे कॉमा दे आर वेरी यूजफुल टू अस। क्लियर, अब मैं वाइप कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका आंसर लिखाऊंगी। दुर्घटना क्यों घटित होती है जगहों पे, है ना, सड़कों पे क्यों घटित होती है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं फिर समझेंगे।
लेसनेस एंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, दुर्घटनाएं क्यों घटित होती है जगह जगह पे, तो आंसर है एक्सीडेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस एंड हरी। देखिए बिकॉज BECAU इतना आटा है, SE नहीं आता है, तो मैंने हाइफन देके जो बाकी अक्षर बच गए थे उसको नेक्स्ट यानी कि दूसरे लाइन में लिखा। तो आपका भी अगर जो वर्ड कुछ अक्षर उसका एक लाइन में आता है, कुछ अक्षर उसका दूसरे लाइन में आता है, तो आपको बीच में हाइफन देना होगा, ऐसा छोटा सा निशान जिसको हाइफन या डैश बोलते हैं ये देना होगा। ओके, अगर एक साथ आता है तो एक साथ लिखिए, बीच में हाइफन या डैश मत दीजिए। तो हमारा आंसर है एक्सीडेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस एंड हरी, दुर्घटना घटित होती है क्योंकि केयरलेसनेस और हरी के कारण, केयरलेसनेस हमारी लापरवाही के कारण और हमारे जल्दबाजी के कारण, हड़बड़ी के कारण हमारे साथ दुर्घटना घटित होती है। आपने अक्सर देखा होगा लोग क्या करते हैं, आप जब सड़क पर निकलते हैं तो देखा होगा अक्सर ज़्यादातर तो बाइक वाला क्या करता है ना, वो एक तो लापरवाही बरतता है, लापरवाही क्या बरतता है तो कम जगह रहता है और उसी कम जगह में वो चाहता है कि वो अपना बाइक निकाल के आगे बढ़ जाए, और वो क्या करता है उस कम जगह में घुस जाता है, तो एक तो लापरवाही किया और जल्दी के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको जल्दी रहती है तो वो चाहता है कि कट मार ले, कम से कम जगह में अपने आप को निकाल कर आगे चले जाए, और वो कोशिश तो करता है आगे जाने की, कम जगह में गाड़ी चलाने की, लेकिन क्या होता है पीछे वाली गाड़ी या आगे वाली गाड़ी उसको टक्कर दे देती है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पे ही उसकी कभी कभी मौत भी हो जाती है। मतलब किसी इंसान का एक्सीडेंट होने के बाद वो बच भी जाता है, लेकिन किसी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, है ना, एक्सीडेंट क्यों घटित होता है जगहों पे, तो हमारा आंसर है एक्सीडेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस एंड हरी, एक्सीडेंट जो घटित होता है वो हमारी लापरवाही के कारण और हमारी जल्दबाजी हरी के कारण यानी कि गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना घटित होती है। ओके, तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे जगह है क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखने का, लेकिन उसका आंसर नहीं हटेगा तो मैं इसे वाइप करूंगी, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड उसका आंसर लिखाऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ दूँ, व्हाई डू एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, तो आंसर है एक्सीडेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस एंड हरी। अब मैं वाइप कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसका आंसर लिखाऊंगी। क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड वी वॉक ऑन द रोड, सड़क पर हमें कहाँ चलना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं जब हम सड़क पर पैदल चलते हैं, चलने का मतलब कि पैदल यानी कि हम कोई भी गाड़ी से नहीं चलते, बस अपने पैर से अगर सड़क पे चलते हैं तो हमें कहाँ चलना चाहिए, तो रोड के किनारे यानी कि फुटपाथ पे। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ फिर समझाऊंगी, वी शुड वॉक, सड़क के फुटपाथ यानी के साइड में किनारे में जो जगह रहता है उस साइड में उस किनारे पे हमें चलना चाहिए, उस जगह पे चलना चाहिए। तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर शुड यू वॉक ऑन दी रोड, हम लोग सड़क पे हमें कहाँ चलना चाहिए, तो हमारा आंसर है वी शुड वॉक ऑन दी फुटपाथ ऑफ दी रोड, रोड के सड़क पर किनारे यानी कि फुटपाथ जो जगह होती है उस जगह पे हमें चलना चाहिए। फुटपाथ की स्पेलिंग बच्चे अक्सर गलत लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एफ ओ ओ टी एच कर देते हैं, हालांकि फुट एफ ओ ओ टी फुट मिस पैर, ओके, तो फुट पी ए टी एच पाथ, पाथ मिस रास्ता, पैर से चलने वाला जो रास्ता होता है यानी कि पैदल यात्री के लिए जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं फुटपाथ, ओके, फुट मिस पैर, पाथ मिस रास्ता, पथ जिसको बोलते हैं, ओके, तो हमें कहाँ चलना चाहिए, रोड के किनारे जो फुटपाथ होती है पैदल चलने का जगह होता है उस जगह पे हमें चलना चाहिए। तो आप फिर देख रहे हैं कि क्वेश्चन अटने का जगह है लेकिन आंसर अटने का नहीं है, तो मैं इसे वाइप करके फिर क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से पढ़ दूँ, क्वेश्चन है वेयर शुड वी वॉक ऑन दी रोड, हमारा आंसर है वी शुड वॉक ऑन दी रोड, ऑन दी फुटपाथ ऑफ दी रोड, अब मैं वाइप करी हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्रॉस रोड्स क्या है, क्रॉस रोड्स का मीनिंग चौराहा या चौक क्या होता है, तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ फिर समझाऊंगी। तो आंसर है द प्लेस वेयर टू रोड्स मीट गया, द प्लेस वेयर टू रोड्स मीट एंड क्रॉस इज कॉल्ड अ क्रॉस रोड्स, वो जगह जहाँ पे दो रास्ता मिलता है और आपस से गुजर जाता है, मतलब देखिए ये रास्ता है और यहाँ से ये रास्ता गया, तो ये रास्ता इस रास्ते से जा रहा है, मिल भी रहा है, मतलब दोनों मिक्स हो जा रहा है, यहाँ पे मिक्स हो गया ना, देखिए जैसे मैं यहाँ पे राइट कर दूँ, गुजर भी रहा है, मतलब ये इधर चला जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है, तो वो हो गया कि वो जगह जहाँ पे दो रास्ता आपस में मिलता है और गुजर जाता है उस रास्ते को क्रॉस रोड्स यानी के चौराहा बोलते हैं, चौक बोलते हैं, मतलब चार तरफ का रास्ता, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, मतलब ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, चारों दिशा से लोग आ जा सकते हैं आसानी से, तो उस एक रास्ते को क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ क्रॉस रोड्स यानी कि चौराहा या चौक क्या होता है, तो हमारा आंसर है द प्लेस वेयर टू रोड्स मीट एंड क्रॉस इज कॉल्ड अ क्रॉस रोड, वो जगह जहाँ पे दो रास्ता आपस में मिलता है और गुजर जाता है उस दो रास्ते को क्या बोलते हैं, क्रॉस रोड्स बोलते हैं यानी कि चौराहा बोलते हैं। अब लेगा रोड्स में एस है तो इस क्यों लगा है, तो क्रॉस रोड्स का मीनिंग ही होता है चौराहा, जैसे गुड मीन्स अच्छा और गुड्स GOODS उसमें एस लग गया तो वहाँ पे अच्छे नहीं होगा बल्कि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, तो GOODS गुड्स का मीनिंग हो जाएगा सामान, चीज, वस्तु, माल, खाद्य सामग्री, वो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं आप कि बोर्ड पे फिर क्वेश्चन लिखने का तो जगह है लेकिन आंसर नहीं हटेगा, तो मैं इसे वाइप करूंगी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी, जो कि क्वेश्चन नंबर D का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच गया उसे लिखाऊंगी।
फिर से एक बार पढ़ दूं, व्हाट इज अ क्रॉस रोड्स? तो आंसर है द प्लेस वेयर टू रोड्स मीट एंड क्रॉस इज कॉल्ड अ क्रॉस रोड। वो जगह जहाँ पे दो रास्ता मिलता है और गुजरता है उस एक रास्ते को क्रॉस रोड्स चौराहा बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट है। क्या है वाई आर द सबवेज यूज्ड क्वेश्चन क्या है वाई आर द सबवेज यूज्ड? सबवेज का मतलब होता है सुरंग। ओके, तो सुरंग का इस्तेमाल क्यों लोग करते हैं? ओके, तो आप जानते हैं ना, आपने चैप्टर में पढ़ा है सुरंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग। तो जहाँ पे सड़क बिजी होती है, जैसे मेट्रो सिटी है ना, महानगरी में, राजधानी में सड़कें बहुत बिजी होती है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो सड़कें बिजी होती हैं, मतलब उस पर गाड़ियाँ इतनी चलती है कि जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें सड़क पार करने में मुश्किल होती है ना, और नहीं कर पाते, तो उनके लिए सबवेज बनाया जाता है ताकि वो पैदल यात्री सही से और अच्छे से, सावधानी से, आसानी से सड़क को पार कर कर अपने जिस जगह पर जाना है वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए हमारा आंसर है, तो आंसर लिखते हैं द सबवेज आर यूज्ड used by pedestrians to cross the busy road. तो हमारा आंसर क्या हो गया? The subways are used by pedestrian to cross the busy road. सबवे का इस्तेमाल पेडिस्टेरियन लोग करते हैं बिजी सड़क को पार करने के लिए। बिजी मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, वैसी सड़क को पार करने के लिए सबवे का इस्तेमाल करते हैं पैदल यात्री। क्वेश्चन है वाई आर द सबवेज यूज्ड? सबवे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आंसर है द सबवेज आर यूज्ड बाई पेडिस्टेरियन टू क्रॉस द बिजी रोड। सबवे का इस्तेमाल पैदल यात्री करते हैं सड़क, जो बिजी सड़क होती है जिस पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है उसे पार करने के लिए। ओके, तो अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और आपका होमवर्क हो जाएगा। तो होमवर्क क्या है? रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 12। चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर डी यानी कि शॉर्ट आंसर याद करना है। ओके, तो ये होमवर्क है। सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी का अटेंडेंस बन गया होगा, तो अब मैं सभी बच्चों को गुड हैबिट टिप दूंगी जो कि सेफ्टी रूल भी है। वो क्या है? तो वो ये है कि कीप डिस्टेंस वाइल वॉचिंग टेलीविज़न। जब आप टीवी देखो तो उससे दूरी बनाकर ही देखो, मतलब आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी के नज़दीक नहीं जाना है, टीवी के पास नहीं जाना है, ना ही वहाँ पे खड़े रहना है, ना ही वहाँ पे चेयर लगा के बैठना है। जब आप टीवी देखें तो जैसे आपके घर के बड़े लोग दूर बैठ के देखते हैं, मतलब टीवी से जितनी दूरी होती है उतना दूरी पर आपको बैठकर टीवी देखना है और इन्जॉय करना है, ना कि टीवी के सामने खड़े हो जाना या टीवी के पास जाकर बैठ जाना। ओके, तो सभी बच्चे जब भी टीवी देखेंगे तो टीवी से दूरी बना के रखेंगे। अब बोलेगा ये सेफ्टी रूल कैसे है? तो ये सेफ्टी रूल ऐसे है कि हम टीवी देखते हैं तो हम नज़दीक से देखेंगे ना, तो उसके ब्राइटनेस, उसके कलरिंग के कारण
वो हमारे आंखों पे बुरा असर डालेगा, और बुरा असर डालेगा तो हमारी आंखों की रोशनी यानी कि देखने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। ओके, तो ये हमारे लिए साथ बुरा होगा। इसीलिए अगर हम दूरी बना के देखें तो वो हमारे आंखों को बुरा असर नहीं डालेगा। तो ये हुआ ना सेफ्टी रूल, सुरक्षा के नियम भी, कि हमारा आँख भी सुरक्षित है और हम इंटरटेन भी कर लेंगे। तो आप अगर टीवी देखो तो उससे दूरी बना के रखो। तो कौन सा गुड हैबिट फॉलो करोगे? कीप डिस्टेंस वाइल वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन यानी कि टीवी देखने के दौरान आप उससे दूरी बना कर रखो। और आपका होमवर्क क्या है? रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 12। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।